आईपीएल का 18वां मैच चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद की टीम ट्वेल्व टॉस जीतकर चेन्नई को बैटिंग करने के लिए बुलाया। चेन्नई की टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। चेन्नई की टीम के लिए इस मैच में शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा रन बनाए। शिवम दुबे ने इस मैच में 4 छक्कों की मदद से 24 गेंदों में 45 रन की पारी खेली। शिवम दुबे के साथ साथ अजिंक्य रन ने भी 30 बॉलों में 35 रन की भूमिका निभाई। इसके साथ ही अंतिम ओवर में जडेजा ने 23 गेंदों में 31 रन बना के टीम के स्कोर को 165 रनों तक पहुंचाया। इन तीनों खिलाड़ियों की पारी चलते चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 165 रन का टारगेट बनाया। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दूसरी पारी में हैदराबाद के लिए ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ने बहुत ही कमाल की शुरुआत करी। ट्रेविस हेड ने 24 गेंदों में 31 रन की पारी खेली तो इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने भी 4 छक्कों की मदद से 12 बॉलों में 37 रन बना दिए और बाकी जो बचा हुआ काम है वो एडम मार्करम ने कर दिया। एडम मार्करम ने 36 गेंदों में 50 रन की पारी खेली और इन तीनों की पारी की वजह से हैदराबाद की टीम यह मैच 6 विकेट से जीत गई। सीएसके की टीम के लिए मोइन अली ने इस मैच में 2 विकेट निकाले, लेकिन वो 2 विकेट कोई भी काम ना सके। इस मैच में अभिषेक शर्मा की 2000 पारी की वजह से अभिषेक शर्मा को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर कर दें।